अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं दही फुल्कियाँ और इनको हमने पानी में सोक कर लिया था तकरीबन हाफ और के लिए दही वाले पानी में, ताकि ये थोड़ी सी खट्टा सा इनका टेस्ट हो जाए। और इसमें हम डाल लेंगे आलू, इसके बाद जो हमने बॉयल किए हुए हैं। और इनके छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। ये थोड़ी सी गार्निश के लिए रखेंगे। और ये टमाटर है जो हम डाल लेंगे इसके बाद। और ये थोड़ा सा इमली का पानी है। दो चम्मच के करीब हम इमली का पानी डाल लेंगे। और इसमें हमने एक और इसमें हम ये डाल लेंगे थोड़ी सी चटनी, जो हमने चटनी बनाई है, और ये डाल देंगे। और इसके साथ हम जो नेस्ले का मिल्क पैक का जो योगर्ट है वो इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन एक चम्मच के करीब है जो चाट मसाला हम वो ऐड कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम जो दूसरा दही है वो ऐड करेंगे, तकरीबन तीन चम्मच के करीब। और इस सब को हम मिक्स कर लेंगे। और मैं प्याज डालना भूल गई थी, इसलिए ये तकरीबन एक के करीब जो प्याज है ये भी हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छा सा टेस्टी सा रेडी हो चुका है और इसको हम सर्व कर देंगे। और ये रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है दही फुल्कियाँ जो आज हमने बनाई हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।